हेलो रीवन वैसे स्टूडेंट जो खासकर एम जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए आज हम इस वीडियो में राउंड टू में किस किस स्टूडेंट्स को ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और किस स्टूडेंट्स को नहीं करना है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे देखिए वीडियो को अच्छे से समझिए जो बताया जाए इस चीज़ को समझिए क्योंकि एक तो ये कि जो स, जिसका जवाब हम यहाँ वीडियोज़ में बता दिए होते हैं यही बात आप इंस्टा पर भी पूछ रहे होते हैं और यही बात बाकी जगह पर पूछ रहे होते हैं तो एक चीज आप बेहतर एक बार खुद से डिसाइड कर लिए कि आपको जानना क्या है और आपको बताया क्या जा रहा है अगर भाई देव वीडियोज़ में कोई चीज़ नहीं समझ में आप कमेंट करके सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया लेकिन मैं आपको हर चीज तो क्लियरली समझा रहा हूँ लेकिन स्टिल आप प्रॉब्लम में और मुझे लगता है अगर आप प्रॉब्लम में तो फालतू का प्रॉब्लम है कोई फायदा नहीं है अगर आप ऐसे प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आपको मैं फिर से यही कहना चाहूंगा वेबसाइट पे जाइएगा और जो चीज़ें बताया जा रहा है वो फाइनल है कोई आपको घुमाने फिराने वाली बात नहीं है आप एम यू के ऑफिसर वेबसाइट इज एम एग्जाम कंट्रोलर के वेबसाइट पे चले जाएंगे इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इनके जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है हम उसी हिसाब से बताएंगे बस फर्क ये हो रहा है देखिए उन्होंने कहा है एमयू ने यही कहा है कि तीन राउंड है तीन राउंड में आपको मौका मिला आप तीनों राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं चॉइस आपके होंगे लेकिन जो स्टूडेंट्स राउंड वन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनको बार बार करने की जरूरत नहीं है हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं कुछ चीज़ें जी है जो आप कर सकते हैं जो कि अभी हम आप बताएंगे फिलहाल अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में अगर देखा जाए तो हम अभी जैसे लाइक like हम बीकॉम का अभी हम एक लिस्ट निकाल कर डाउनलोड कर लेते हैं उसको दिखाते हैं क्या है। इस तरीके से ये चीज हर कोर्स पे अपलीकेबल होता है ऐसा नहीं किसी बीकॉम पे जैसे यहां पर अगर आगर आगर कोर्स की बात करें तो कौन कौन से कोर्स है बी एस सी एग्रीकल्चर बी ए फॉरन बी एल 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 एम बी कॉम इवन बी एस सी बी टेक जितने भी एम टेक सारे कोर्स पर अप्लीकेबल है ये अगर हम बात करें यहां पर देखिए आज का डेट आपको पता ही है आज का डेट ट्वेंटी नाइन ऑफ सितंबर है एंड uh, एक सेकंड में डेट कंफर्म हाँ 29 सितंबर है अब देखा जाए तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काउंसलिंग करा था राउंड वन में जिनका सिलेक्शन राउंड वन में नहीं हुआ है आज के डेट में उनके ही आईडी पे जब वो लॉगिन करेंगे तो एक्शन वाला सेक्शन सॉरी एक्शन वाला सेक्शन में आपको प्रोसीड दिख रहा होगा अब एक सवाल है कि सर ये प्रोसीड क्यों आ रहा है ये बस इसलिए आ रहा है क्योंकि एमी ने कहा है कि राउंड टू में भी आप कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर सकते हैं उन्होंने मौका दिया है जैसे मान लिया आपको लगता है कि आपने डॉक्यूमेंट जो डाला हालांकि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है तो आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं बस आप अपना चाहे तो प्रीफ्रेंस वगैरह वो परनीचर कर सकते हैं लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला होगा जब आपका राउंड वन में नहीं हो तो राउंड टू में हो सकता हो जाए कुल मिलाकर यहाँ पे यही है अगर आप हमसे कहेंगे सर कि क्या राउंड टू में मुझे कुछ करना चाहिए कि नहीं चाहिए बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है आपको वैसे ही छोड़ देना है आपको आज लास्ट डेट है प्रोसीड का बटन अस्टील लाएगा मान लिया कुछ भी करेंगे फिर भी प्रोसीड का बटन आएगा आज के बाद प्रोसीड का बटन साइड होगा इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं करना आपको जिस हाल में वैसे ही छोड़ देना आपको दोबारा कोई भी उससे एडिटिंग वगैरह नहीं करना है मैं फिर से कह रहा हूँ जहां अगर कर करेंगे हो सकता है डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो फिर आपका दिक्कत खड़ा हो सकता है इसीलिए जिस हाल में है उसको उस हाल में छोड़ दी राउंड टू हो या राउंड थ्री में इसका मतलब साफ है जो स्टूडेंट्स राउंड वन में काउंसलिंग कर चुके हैं उनको ना ही राउंड टू में कुछ करने की जरूरत है और आने वाले राउंड थ्री को उसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है बस उनको अपने फॉर्म लिस्ट आने का इंतजार करना चाहिए अभी मैंने फिलहाल अगर देखा है तो इन सारे कोर्स को मैंने रिमाइंड कर दिया अब मैं फिर से करूं आपको कुछ नहीं करना है ना ही राउंड टू में ना ही राउंड थ्री में और इसके साथ ही इलेवंथ वाले स्टूडेंट को भी थोड़ा सा रिमाइंड करा दे इनका क्या सीन है अब अगर इसमें अगर हम बात करें यहां पे देखें तो ये वो कोर्स है जिसमें अभी एक सेकंड ये मैंने किसी और कोर्स का डाउनलोड कर लिया है डिप्लोमा वाला नहीं अभी हम ह्यूमिटीज वाला देख लेते हैं ये रहा अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी सेम सीन है राउंड वन का खेल ख़त्म हो गया राउंड टू का खेल जो है ट्वेंटी नाइन सितम्बर आए लास्ट है मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना है आपको अगर प्रोसीड का आइकन आ रहा है कोई बात नहीं आने दी कल कल जो है क्योंकि आज के बाद जो है प्रोसीड का बटन हट जाएगा अब उसको फिर से फॉर्मुलिस टू आएगा कब आएगा फॉर्मोलिस टू का जो डेटा तैयार करने का जो डेट रखा गया है वो देख सकते हैं आपका सिक्स सेवन से अक्टूबर के बीच में हो सकता है और पहले ही आ जाए तो इस तरीके से राउंड थ्री भी होने वाला है लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ जो स्टूडेंट्स एक बार काउंसलिंग कर चुके हैं उनको दोबारा कुछ नहीं करने की के जो उनको बस अपने लिस्ट में नाम आने का इंतजार करना चाहिए इसके अलावा अगर कुछ भी करते हैं फालतू का काम करते हैं कोई फ़ायदा नहीं है एक्सेप्ट नुकसान के अलावा तो यहाँ पर यह चीज़ मैं क्लियर कर दूँ जो भी स्टूडेंट्स राउंड वन में काउंसलिंग कर चुके हैं उनको ना ही राउंड टू राउंड थ्री में करना है या जो बच्चे छूट गए हैं वो राउंड टू में कर सकते हैं उन्होंने एम ही नहीं कहा कि जो छूट गया है वो राउंड टू में कर सकते हैं बाकी इससे रिलेटेड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इशू हो क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर दीजिए और मैं फिर से कह रहा हूँ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स या बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं या बाकी कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अभी मैं स्टिल एक आई डी लॉगिन करके दिखाता हूँ थोड़ा आपको फाइनल हो जाएगा कि भाई आ, क्या मसला है आपको कुछ नहीं करना ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर चले जाना है इस पर आपको जाकर लॉगिन करना है यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है जैसे जब लॉगिन करेंगे हालांकि यहाँ पे मैं अभी एक सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स का आईडी ले रखा हूँ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी यह स्टिल प्रोसीड का आइकन आ रहा है हालांकि आज पता आज लास्ट डेट है तो आज के बाद ही जो है ये प्रोसीड वाला बटन होगा बट आप कहेंगे सर क्या हम प्रोसीड पे चले जाएं इवन कि आप कुछ करेंगे तो भी प्रोसीड का आइकन आएगा इसलिए क्योंकि उन्होंने वेबसाइट को इस तरीके से बनाया है तो आपको मैं फिर से कह रहा हूँ चाहे वो सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हो या एलेवेंथ के स्टूडेंट्स हो या बाकी जिस किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हो बी ए बी एस सी बी कॉम बी एल एल बी बी टेक एम टेक सारे कोर्स को लेकर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना आपको राउंड वन में ही काउंसलिंग करना था राउंड टू राउंड थ्री में कुछ भी नहीं करना है बस आपको अपने फर्म लिस्ट में नाम आने का इंतजार करना है तो आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल से आप इसको लेकर कोई क्वेरी नहीं आना चाहिए आई थिंक आपके प्रॉब्लम सॉल्व गए वरना वीडियो को दोबारा देख लीजिए चीजें समझ में आ जाएगा थैंक यू